आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पैशनेट यंग एंटरप्रेन्योर की कहानी जिसने रतन टाटा को इम्प्रेस किया है। महज 16 साल की उम्र में जेनरिक आधार कंपनी की शुरुआत करने वाले अर्जुन देशपांडे ने देश के फार्मा सेक्टर की दिशा ही बदल दी है। 15,000 से शुरू किया ये बिजनेस आज 500 करोड़ की वैल्यूएशन कमांड करता है। क्या है इस फास्ट ग्रोइंग फार्मा स्टार्टअप की सक्सेस का राज, ये बता रही हैं मेरी सहयोगी कल्पना पारकर। दवाई की दुकानों की तो कमी नहीं है देश में, लेकिन गरीब के बुरे वक्त में यहाँ इंसानियत ढूंढना भगवान ढूंढने से कम नहीं होता है। एक बुजुर्ग इंसान को अपनी पत्नी के लिए दवाइयाँ खरीदते वक्त पैसों की कमी के चलते बेबस होते देख 16 साल के अर्जुन देशपांडे को झकझोर कर रख दिया। हार्ट, न्यूरोलॉजिकल या कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों में दवाइयों का खर्च हर महीने 15,000 से 20,000 तक हो जाता है, तो एक मध्यम वर्गीय परिवार कैसे अपना इलाज करवाए? क्या सच में दवाइयाँ इतनी महंगी है? अगर है तो क्यों है? ऐसे कितने लोग होंगे जो पैसों की कमी के चलते अपनी जान गवा देते होंगे? क्या इस दिक्कत का कुछ समाधान निकल सकता है? क्या इस क्षेत्र में इनोवेशन लाया जा सकता है? इन सवालों से परेशान अर्जुन को इसका जवाब मिला जेनरिक मेडिसिन के रूप में। मैंने सोचा कि ये जो प्रॉब्लम है वो केवल वो एक दादाजी का नहीं होके वो करोड़ों दादाजी का है, तो मैंने सोचा कि ये बड़ा प्रॉब्लम है और जो कि ये जो प्रॉब्लम को बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने इग्नोर किया हुआ था, मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम के ऊपर हमको डिस्ट्रप्शन लाना चाहिए, इनोवेशन लाना चाहिए। सो वहाँ से मैंने सोचा कि तब तो फंडिंग नहीं था, कुछ नहीं था, सो सिर्फ एक मतलब विचार था, एक विजन था कि ये चीज़ करनी है। तो फिर मैंने क्या किया, ये छोटे छोटे मेडिकल स्टोर्स होते हैं हमारे आजू बाजू एरिया में, मैं उनको एग्रीगेट करना शुरू किया। बहुत लोगों ने तब मुझे सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों ने कहा कि आप तो सिर्फ 16 साल के, आप हमारी क्या ही मदद कर देंगे। सो बहुत लोगों ने इग्नोर किया, मतलब उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। बट जब मेरे 100-150 स्टोर पे विजिट हुआ फ्रेंचाइजीज देने के लिए, तब उसके बाद में जाके मेरा फर्स्ट फ्रेंचाइज स्टोर चालू हुआ। तो सबसे पहले समझते हैं जेनरिक मेडिसिन क्या होता है और जेनरिक दवा और ब्रांडेड दवा में क्या अंतर है। रिसर्च से बनाई मेडिसिन के पेटेंट होते हैं और पेटेंट की एक्सपायरी के बाद उस फॉर्मूले से कोई भी मैन्युफैक्चरर दवाइयां बना सकता है। जेनरिक दवा वो दवा है जो बिना किसी पेटेंट के बनाई और डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। बड़ी फार्मा कंपनियां ब्रांडेड दवाइयां मनचाहे भाव पर बेचते हैं और वही जेनरिक मेडिसिन सस्ते में बिकती है। अर्जुन ने सोच लिया, लगभग 80% कम दामों में जेनरिक मेडिसिन को आम आदमी की पहुंच में लाना है। फार्मेसी एग्रीगेटर मॉडल पर अर्जुन ने जेनरिक आधार फार्मा स्टार्टअप की शुरुआत की और महज 3 सालों में 150 शहरों में 2000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी स्टोर्स शुरू कर दिए। सस्ते और सब्सिडी मिलने वाले जेनरिक मेडिसिन की आज देश में जरूरत है। भारत जेनरिक दवाओं का दुनिया का दूसरा बड़ा उत्पादक है। 80% जेनरिक दवाओं का उत्पादन करने के बावजूद अधिकतर एक्सपोर्ट होता आया है, इसीलिए भारत में जेनरिक दवाइयों की उपलब्धता आबादी की जरूरत के मुकाबले काफी कम थी। ऐसे में अर्जुन ने न सिर्फ जेनरिक मेडिकल स्टोर शुरू किए बल्कि इस कारोबार के लिए जरूरी इकोसिस्टम बनाने पर भी फोकस किया। आज तक अगर आप देखेंगे तो छोटा दुकानदार जो होता था, टुडे ऑल्सो दे वे वर्किंग ऑन द पेन एंड पेपर फॉर द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, परचेज बिल से लेके सेल्स से बिल से लेके पेन एंड पेपर उनके पास में होता है, वो मैनेज करते हैं। हम लोग ने इनोवेशन ला दिया, हम लोग ने उनको पूरा टेक ड्रिवन बना दिया। वी हैव अवर इन हाउस सॉफ्टवेयर हेल्पिंग देम टू मैनेज द इन्वेंट्री, मैनेज द बिलिंग्स, मैनेज द सॉफ्टवेयर। मतलब अभी उनका एक्सपायर भी स्टॉक नहीं होता क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर इतना स्मार्ट है। तो वन क्लिक में दे कैन, आज तक उनको 20-30 लोगों से प्रोक्योरमेंट करने की जरूरत पड़ रही थी, आज सिर्फ अंडर वन प्लेटफॉर्म, अंडर वन रूफ जेनरिक आधार के उनको थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ मिल जाते हैं। सो हम लोग ने उनका जो स्ट्रेस था वो हम लोग ने पूरा कम कर दिया। तो दैट इज द रीजन टुडे रिटेलर्स आर हैप्पी टू कनेक्ट विद जेनरिक आधार। देश के हर आम आदमी तक पहुंच बनाने के मिशन पर निकले अर्जुन ने जेनरिक आधार के स्टोर्स में लुक और डिजाइन से ज्यादा दवाइयों की अवेलेबिलिटी पर ध्यान दिया, साथ ही फ्रेंचाइजीज को हर तरह का सपोर्ट देने पर कंपनी ने जोर दिया। फ्रेंचाइजी जो मॉडल होता है वो आज तक ऐसा रखा गया था कि फ्रेंचाइजी किसी कंपनी को लेनी है तो 30 लाख, 25 लाख, 40 लाख देना पड़ता है। मैंने सिर्फ नाम के लिए वो फ्रेंचाइजी मॉडल रखा है,
है हमारा ऑनबोर्डिंग एग्रीगेशन मॉडल। इसके पीछे कारण ऐसा है, हम लोग जनरिक आधार के माध्यम से वी डू नॉट चार्ज हेफ्टी फ्रेंचाइजी फी बिकॉज आवर मोटो इज टू रीच आउट टू द कंज्यूमर्स। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, वी डायरेक्टली गिव द फ्रेंचाइजी टू द रिटेलर्स हु आर एग्जिस्टिंग और द पीपल हु वांट टू टेक द न्यू फ्रेंचाइजी ऑफ जनरिक आधार। वेर इन उसमें क्या होता है, 1 लाख रुपीज में हम लोग पूरा उनको मार्केटिंग सपोर्ट हो गया, मेन डिस्प्ले बोर्ड हो गया, एवरीथिंग अंडर वन रूफ, सॉफ्टवेयर से लेकर सब कुछ। सो दैट इज एन इम्पैक्ट एंड द इकोसिस्टम व्हाट वी आर कंडक्टिंग टू द फार्मा इंडस्ट्री। जेनरिक आधार की फ्रेंचाइजीज को इन्वेंटरी की कभी कमी नहीं खलती क्योंकि कंपनी दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग अपने ब्रांड के तहत करवा लेती है। तो हमारे पास में वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ मेडिसिन हमारे पास में, मतलब 1000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स जेनरिक आधार के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री विद जेनरिक आधार टुडे। बिकॉज आज हमारे पास में इतने मैन्युफैक्चरर्स हैं सामने से अप्रोच करते जो MNC कंपनीज की मैन्युफैक्चर करते प्रोडक्ट, तो वो हमको अप्रोच करते और उसके साथ साथ में हम लोग उनसे बना के वही क्वालिटी का प्रोडक्ट लोगों तक अफोर्डेबल रेट में पहुंचाते हैं। कंपनी ने महज 3 साल में अपनी पहुंच बड़े शहरों के अलावा त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा, बिहार जैसे राज्यों के इंटीरियर तक बनाई है। इस तेज तर्रार ग्रोथ के पीछे फाउंडर की मेहनत, जेनरिक मेडिसिन की जरूरत और उपलब्धता का अंदाजा लगाया जा सकता है। शुरू होने के बाद जेनरिक आधार का स्केल ऑर्गेनिक ग्रोथ से ही हुआ है क्योंकि आज का ग्राहक जागरूक है। अगर आप लोगों से बात करेंगे ग्राउंड पे जाके कि जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, आज सभी को जेनरिक मेडिसिन पता है, मतलब आज जो अवेयरनेस है, ठीक है चेंज आएगा, एक दिन में नहीं आता चेंज, उसके लिए समय लगता है, हर एक इंडस्ट्री में बदलाव आता है, वो एक समय के बाद आता है, बट शुरुआत करनी चाहिए, हम लोगों ने वो शुरुआत की है। आज मतलब मैं कहूँगा कि हमारा जो स्टोर है कुलाबा जैसे एरिया में मुंबई के उतना ही अच्छा चलता है जितना बिहार के छोटे से गांव में चलता है। इसके पीछे कारण ऐसा है, कुलाबा जैसे शहर में वहाँ पर लोगों को एजुकेशन है और बिहार के छोटे से गाँव में लोगों को ज़रूरत है। तो एजुकेटेड पीपल, इफ़ यू आस्क एनी एजुकेटेड पीपल व्हाट आर जेनरिक मेडिसिन, यू विल टेक जेनरिक विद द मॉलिक्यूल नेम और पर्टिकुलर ब्रांड नेम। तो आज अच्छे अच्छे गाड़ियों से लोग हमारे स्टोर पे रुक के आते हैं, इसके पीछे कारण है कि उनको पता है कि दवाइयाँ ये जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो कॉम्पोजिशन के नाम से लेनी है, ना कोई पर्टिकुलर ब्रांड के नाम से। और बिहार जैसे गाँव में जो 100 रुपये की चीज़ है वो अगर उनको 20 रुपये मिले, उनको ज़रूरत है आज, और वो उनकी ब्लेसिंग्स देते हैं हमको। सो मुझे लगता है चेंज हो रहा है। 16 साल के अर्जुन देशपांडे ने महज 15,000 के स्टार्टअप कैपिटल से जेनरिक आधार की नींव रखी, लेकिन आज भारत की फार्मा इंडस्ट्री में कंपनी 8 से 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है और गरीबों तक किफायती दामों में दवाइयां मुहैया कर पा रही है। फार्मा सेक्टर में इनोवेशन ला रहे इस यंग फाउंडर को रतन टाटा जैसे अनुभवी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर का साथ मिला। जब मैंने रतन सर को समझाया कि ये एक इनोवेशन हम लोग जा रहे हैं, एक डिस्ट्रप्शन हम लोग हेल्थ केयर में जा रहे हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों का महीने का बिल से पैसा बचेगा, तो उन्होंने मेरी 15 मिनट की मीटिंग हमारी चली थी 3 घंटे तक, और लास्ट में उन्होंने सिर्फ मुझे कहा कि अर्जुन, इफ दिस वेंचर सक्सेस दिस कैन चेंज द एंटायर हेल्थ केयर इकोसिस्टम फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन। तो उसके बाद में रतन सर ने केवल मेरी कंपनी में, हमारे कंपनी में सिर्फ इन्वेस्ट नहीं किया बट पर्सनल मेंटर भी बने मेरे, और उसके साथ में और तेज़ी से एक्सपेंशन शुरू हुआ। और अभी तो मैं गर्व से कहूँगा, मतलब रिसेंटली हमारा जब मतलब हमारी कंपनी में जापान के सबसे बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट बियॉन्ड नेक्स्ट वेंचर्स ने भी इन्वेस्ट किया बड़ी अमाउंट। अर्जुन के इस वेंचर को राज्य सरकारों का भी बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 700 स्टोर्स के लिए कंपनी के साथ MOU साइन कर चुकी है और आने वाले 2 सालों में देश के 400 शहरों में 5,000 फ्रेंचाइजी शुरू करने का कंपनी का लक्ष्य है। साथ ही कैंसर मेडिसिन को जेनरिक कैटेगरी में लाकर कैंसर पीड़ितों को इलाज में फाइनेंशियल राहत पहुंचाने पर काम जारी है। इतना ही नहीं, भारत की जनता के लिए किफायती दवाइयां पहुंचाने के मिशन के साथ साथ अर्जुन जेनरिक आधार के तर्ज पर वेटरनरी जेनरिक मेडिकल स्टोर की चेन शुरू करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर में बदलाव ला रहे इस यंग, इनोवेटिव और पैशनेट एंटरप्रेन्योर को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। कल्पिता पारकर, मुंबई।